कि जब ये पोस्टमार्टम कर रही थी तो दो ऐसे बड़ी थे, एक पैर सीधा कर रहे थे और दूसरा बड़ी आंख खोल रहा था। हाँ वो सत्य, पति का देहांत हो गया था, मुसरी घरारी का बड़ी आया था, तो हमको खबर हुई, चौकीदार गए बुलाने के लिए, तो हम पति का अपना बड़ी छोड़ करके आप पोस्टमार्टम करने के लिए आ गए। तो आपका मन नहीं पिघलता है? एक महिला का तो कहा जाता है कि बहुत ही कमजोर दिल के नाजुक होती है, आप एक महिला होकर इतना बड़ा काम कर रही है। जिसका अपना आदमी रहता है वो छूने से इनकार करता है, भागता है, हम लोग उसको काम करके बढ़िया से पैक करके देते हैं। दोस्तों आज हम सदर अस्पताल समस्तीपुर के पोस्टमार्टम हाउस में आए हैं। एक मैडम है मंजू देवी, जो कि अभी तक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लाशों का पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन इनमें जो खासियत है कि हम सुने हैं इनका एक हमको जो बात है चुभ गई दिल में और हमको खींचे खींचे यहाँ तक लेते हैं इनके पास तक, क्योंकि इनके जो पति थे उनका देहांत हो गया था और उसके बाद ये अपना काम करने के लिए यहाँ पर आई पोस्टमार्टम करने, क्योंकि एक 20 वर्ष के युवक का शव पड़ा हुआ था इनके सामने और उसका पोस्टमार्टम करना था। यही सारी बात है और कई बात है। एक बार तो इनके साथ हुआ कि ये अपने परिवार का ही इनको खुद पोस्टमार्टम करना पड़ा, ये सारी बात है इनसे चर्चा करेंगे। और पोस्टमार्टम में जो सवाल उठते हैं कि क्या पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ पर लोगों का किडनी आँख ये सब निकाल लिया जाता है, क्या जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं नशे में चूर होकर पोस्टमार्टम करते हैं, क्या सारी सच्चाई है हम मंजू देवी से जानेंगे। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैम ये जो आप पोस्टमार्टम करते हैं, तो एक बार मैंने आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो हमको पता चला कि आपके पति का देहांत हो गया था और एक 20 साल के युवक का यहाँ शव पड़ा हुआ था और आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यहाँ पोस्टमार्टम करने आई थी पति का शव छोड़कर। जी जी, पति का देहांत हो गया था, मुसरी घरारी का बड़ी आया था, तो हमको खबर हुई, चौकीदार गए बुलाने के लिए, तो हम पति का अपना बड़ी छोड़ करके आप पोस्टमार्टम करने के लिए आ गए। और उसके बाद पोस्टमार्टम करके गए तो अपना बाजार हाट किए, जो होता है कफन आर जो सर सामान लगता है उसमें वो सब ला करके तब पति के दाह संस्कार करने के लिए भेज दिए। अच्छा तो आप एक काम कब से कर रही है और अभी तक कितना पोस्टमार्टम कर चुके हैं? 2000 से हम कर रहे हैं, लगभग 20,000 से ऊपर के। 20,000 से ऊपर कर दिए पोस्टमार्टम? जी 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 जी। और पोस्टमार्टम जब आप, क्या आपका एक खानदानी पेशा है? एक खानदानी पेशा है। तो आप पोस्टमार्टम का कितना आपको मिलता है क्या, और कभी जब पोस्टमार्टम आप किए हैं तो आपका मन नहीं पिघलता है? एक महिला का तो कहा जाता है कि बहुत ही कमज़ोर दिल के नाजुक होती है, आप एक महिला होकर इतना बड़ा काम कर रही है। कभी हम लोग को डर नहीं लगा, कभी कुछ नहीं हुआ नहीं, करते 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 हिम्मत हो गया मेरा, चूँकि पूरा पूर्वज का काम है। कितना देर पोस्टमार्टम करने में लगता है एक बड़ी को? एक घंटा लग जाता है। और थोड़ा चलेंगे जिधर पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर भी देखेंगे कैसे होता है क्या होता है। तो मंजू जी एक बार हम सुने हैं कि आपके खुद को परिवार के लोग का भी पोस्टमार्टम करना पड़ा था। अपना जैसी कि हमको पोस्टमार्टम करना पड़ा, बड़ा भैंसुर का लड़की को। अच्छा बर्न क्या हुआ था? बर्न केस का था। अच्छा आग लग गया था तो मर गई, तो उसको पोस्टमार्टम हम किए। तो अभी हम पहुंच गए हैं वही मुर्दा घर में पोस्टमार्टम जहां पर होता है और मंजू जी है बताएंगे हमको कि कैसे कैसे पोस्टमार्टम होता है। पहले आइए इधर हम बात करेंगे इनसे। मैम कैसे कैसे पोस्टमार्टम करते हैं, आपका औजार क्या है? देखिए अमूमन आप लोग को लगता होगा कि डॉक्टर पोस्टमार्टम करने वाला का औजार कैंची होता होगा, उसके बाद जो डॉक्टर का हथियार होता है वो होता होगा। यहाँ पर हमको हथौड़ा दिख रहा है, छेनी दिख रहा है, कैंची दिख रहा है, चाकू है, ये सब तो मतलब पहाड़ उहाड़ पत्थर तोड़ने में काम आता है। तो पोस्टमार्टम हाउस में क्या कर रहा है सब हथियार? इससे स्काल खोलते हैं, इससे कपड़ा काटते हैं, इससे चेस्ट खोलते हैं बीपी बिलर से। अच्छा इससे भी चिरते हैं, यही सब है। और इससे अभी तक आप कितना पोस्टमार्टम कर चुके होंगे इस औजार से? 20,000 से ऊपर है। इस औजार से 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम कर चुके हैं। तो लोग को जो लगता है कि जो पोस्टमार्टम करते हैं नशा के चूर में पोस्टमार्टम करते हैं, शराब पी के, आप लोग भी क्या शराब पी के पोस्टमार्टम? नहीं, हम शराब उराब नहीं पीते, पान उन खा कर का काम, पान खा के कर लेते हैं। जी क्या पोस्टमार्टम करने के लिए नशा करना जरूरी है? क्या नशा करना जरूरी है पोस्टमार्टम करने के लिए? और उसमें स्मेल रहता है, डिकम्पोज बॉडी रहता है, छः दिन के सात सात दिन के रहता है, कीटाणु रहता है, तो मर्द लोग पीता होगा लेकिन हम खास करके वो लोग वो सब नहीं पीते हैं। एक और चीज़ कहा जाता है मंजू जी कि पोस्टमार्टम में सब में से जो है किडनी आँख इस तरह का जो सामान होता है निकाल दिया जाता है? नहीं यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता, नहीं यहाँ नहीं होता है। पॉइजन केस के फिसरा निकलता है, एक्सीडेंटल हुआ था या हेड इंजुरी हुआ या चेस्ट इंजुरी हुआ चाहे एब्डोमेन इंजुरी हुआ। पोस्टमार्टम जिस पर होता है देख रहे हैं कि उस पर एक ईंट रखा हुआ है, तो ईंट क्यों रखा हुआ है? इसी पर होता है। ईंट क्यों रखा हुआ है उस पर?
माथा रखा जाता है, इसका ईंट पर माथा रखा जाता है, अमूमन तकिया उकिया पर रखा जाता है, ऐसा नहीं? नहीं, मतलब पोस्टमार्टम जो है उसको थोड़ा हीन नज़र से देखा जाता है क्या? नहीं नहीं, उसमें ताकत लगता है ना स्कॉल खोलने में, तो ईंटा नीचे से रख के ऊपर से, हाँ तब ना उसमें जो दाब बनेगा, हाँ दाब बनेगा, इसके लिए वो ईंटा रखा गया। अच्छा, थोड़ा चलते हैं बाहर, बात करेंगे, थोड़ा स्मेल कर रहा है क्योंकि मुर्दा घर है तो स्मेल थोड़ा करेगा। और मैम तो और बताइए कि यहाँ पर आपको कितनी दिहाड़ी मिलती है? एक दिन में 380 रुपया। एक दिन में 380 रुपया? हाँ। तो कितने लाश को आप पोस्टमार्टम करते हैं तो 380 रुपया मिलते हैं? एक आवे चाहे 100 आवे, जिस दिन आता है एक बॉडी आवे चाहे 100 आवे, 380 रुपया मिलेगा, और जिस दिन एक बॉडी नहीं आएगा वो 380 रुपया नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब कितने भी लाश का पोस्टमार्टम कीजिएगा 380 रुपये ही आपको मिलेंगे? जी जी, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, एक करे चाहे 100 करे, उसी दिन का 380 मिलेगा, जिस दिन नहीं आएगा एको बॉडी उस दिन का नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अगर ज़्यादा आ जाए, 3-4 आ जाए तो आप हैंडल कर लेते हैं, 380 रुपये ही मिलता है आपको? जी 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 जी, पाँचों आ जाता है, कभी छवो आ जाता है, सात कभी छः भी आ जाता है, सातों आ जाता है, 24 घंटा हम काम करते हैं इसमें। 24? अमूमन तो आदमी 8 घंटा काम करता है। हम तो 24 घंटा खटते हैं। 24 घंटा का आपको 380 रुपये मिलता है? 380 रुपये मिलता है। पुलिस वाला सब तबाह करते हैं, मिनट मिनट में फोन, मिनट मिनट में फोन। एक बार आपका हम देखे हैं एक इंटरव्यू में, आप कह रहे थे कि हाथ पैर कांपने लगे थे आपको पोस्टमार्टम हाउस में, पहला दिन था आपका? पहला दिन था। और 22 साल के लड़के का सब परा हुआ था और छेनी हथौड़ी उठाई, उसके बाद सिर खोला, आँख से आपके आंसू भी नहीं थम रहे थे। और तकरीबन ये लाश बताया जा रहा है कहाँ का था? मुसरी घरारी का। तो पहला दिन ही आपको 22 साल की युवक का डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करना पड़ा था? जी जी। तो पहला दिन कैसा आपको, कैसे आप हैंडल किए थे? थोड़ा सा लगा था, थोड़ा सा लगा, हाँ, फिर भी हिम्मत जुटाना पड़ा, बाल बच्चा के सवाल था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 24 दिसंबर 2001 को आपके पति का देहांत हुआ था? जी जी जी, सही है। जी जी। और आप यहाँ पर पोस्टमार्टम कर रही थी? जी जी जी, 9 बजे करीब उनका देहांत हुआ, 9:30 बजे बॉडी आई, काम करके यहाँ से हम 11:30 में निकल गए, उसके बाद अपना पति के दाह संस्कार करने के लिए भेज दिया। अच्छा, आपका हाथ जो कटा हुआ देख रहे हैं हम, कैसे हुआ? इस सेब काटने में कट गया था। सेब काटने में जी। इसकी भी कुछ कहानी है? इसका कुछ कहानी नहीं है, यहीं पर बैठल थे, भूख लगल था, 2 गो डेड बॉडी के काम कर दिए, वो अज्ञात बॉडी था डिस्पोजल करने के लिए, स्टाफ 2 गो था, हम रखे हुए हैं प्राइवेट से स्टाफ को, उसको कहे कि अपना डेड बॉडी के बांध छान करो, ताले हम सेब काटने लगे। बीपी ब्लेड नहीं का था, कुछ था नहीं यहाँ पर, मजबूरी था, भूख लगल था, कहे काट लेते हैं, काटे जो सेव गिर गया, हमारा हाथ कट गया। अच्छा, ये हाथ कटल भर भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। यही तो हम पूछ रहे थे कि इसका भी कुछ कहानी है। यही कहानी है जो पोस्टमार्टम कर, हाँ हाँ, पट्टी उट्टी साट के ग्लव्स पहन के काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लाश रखने के लिए फ्रिज होता है, जगह जो होता है, ये सब नहीं दिखा? मर्चुरी नहीं है, मर्चुरी नहीं है, नहीं ऐसी नहीं है, ऐसी भी नहीं, पानी का व्यवस्था नहीं, वेपर लाइट होना चाहिए, वो भी नहीं, लाइट नहीं है जो अथी करने, हाँ वेपर लाइट होना चाहिए दोनों तरफ, जी जी, उसके बाद बेड होना चाहिए सीमेंट बालू के, वो भी नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं चदरा वाला रखा हुआ जो पेशेंट को उसमें देखा जाता है, इलाज किया जाता है, उसमें पोस्टमार्टम सही से नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, उसके लिए मजबूत सीमेंट बालू के होना चाहिए, 7 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई। तो हमको सरकार से मांग है कि हमको परमानेंट किया जाए, जो इसमें सुविधा है सो दिया जाए। और आप तो अभी तक लगभग 20,000 से अधिक लाश कह रही कि पोस्टमार्टम कर चुके हैं, तो क्या आत्मा आत्मा देखें जो लोग कहते हैं अमूमन की आत्मा होती है? आत्मा कभी नहीं देखे, क्योंकि उनका हम सेवक है ना। अच्छा, एक और कहानी है आपके पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई, कि जब ये पोस्टमार्टम कर रही थी तो 2 ऐसे बड़ी थे, एक पैर सीधा कर रहे थे और दूसरा बड़ी आँख खोल रहा था। हाँ, वो सत है। उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी है कि वो बड़ी आया, बार बार आँख खुला हुआ था, एक्सीडेंटल केस था, उसको हम ऐसे जान देते थे हाथ से, फिर वो आँख खोल लेता था, तो हम ऐसे जोर से हाथ दिए आँख पर कि आप अस्थिर रहिए, आप डेड बॉडी है, अस्थिर रहिए, बस आँख मूंद लिया। ऐसा तो नहीं ना कि कहीं वो जिंदा था? नहीं नहीं, जिंदा नहीं था, नहीं मरल हुआ था। और वो जो पैर सीधा कर रहा था एक बड़ी, वो लेडीज थे, लेडीज ताले वहाँ पर पोस्टमार्टम होता था, थोड़ा गरेज था वो सी एस का, उसी में होता था, उसमें तो लाइट भी नहीं था ना, पानी था, थोड़ा सा छोटा झज्जर एकदम रूम था, थोड़ा उसी में काम करते थे। उस टाइम की कहानी, आज की नहीं है, 7-8 की कहानी है। जिसका अपना आदमी रहता है वो छूने से इनकार करता है, भागता है, हम लोग उसको काम करके बढ़िया से पैक करके देते हैं। हिम्मत चाहिए करने? हाँ, हिम्मत चाहिए। आप एक महिला होकर के काम कर रही है? जी जी जी, ये समाज की सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि एक महिला होकर पोस्टमार्टम का काम कर रही है, जहाँ पर अच्छे अच्छे
मर्द को भी हिम्मत हार जाते हैं, वो काम कर रही है महिला। बिहार सरकार के सिस्टम पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि ये महिला जो है पोस्टमार्टम कर रही है लगभग 23 साल से, और इनको अस्थाई नहीं बनाया गया है, अस्थाई रूप से काम कर रही है। और इनको जो दिहाड़ी दिया जाता है 380 रुपये दिया जाता है, और 380 रुपये में मात्र ये 24 घंटा काम करती है। जब भी इनको फोन जाएगा तुरंत आना पड़ेगा इनको। जी जी। पोस्टमार्टम जब करते हैं तो रिपोर्ट कौन बनाता है, कैसे होता है पोस्टमार्टम? डॉक्टर साहब लिखते हैं रिपोर्ट, डॉक्टर साहब बताते हैं। जब पोस्टमार्टम आप करते हैं उस समय डॉक्टर मौजूद रहते हैं? हाँ मौजूद रहते हैं, देखते हैं पूरा इंजुरी। पूरा इंजुरी देखते हैं, बताते हैं खोलने के लिए, वही खोलते हैं कि आप अपने मन से खोलते हैं? नहीं वो अपना देखते हैं, हमसे पूछते तो हम भी बताते, चूंकि इतना दिन से करते करते हम लोग को अनुभव हो गया है, तो अगर सर पूछते हैं तो हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। कट करते हैं पूरा हम ही, सिलाई करते हैं। हाँ। जो आप बताते हैं सर रिपोर्ट लिखते हैं? हाँ लिखते हैं, सर भी अपना देखते हैं, हमसे पूछते तो हम भी बताते हैं। अच्छा, जो अनुभव। कई लोग का सवाल होगा कि आप पढ़े लिखे भी हैं क्या? हाँ मैट्रिक पास है, उत्तर मध्यमा से हम परीक्षा दिए थे। अच्छा। जिस टाइम वैकेंसी निकला था 4 में, तो हम मैट्रिक तक पढ़े हुए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी लोग तक ये पहुँचे, क्योंकि एक समाज के लिए आईना है, स्रोत है एक महिलाओं के लिए, जो कहती है हमसे कुछ नहीं होगा, वो देखे कि एक महिला होकर ऐसा काम कर रही है जो अमूमन लोग नहीं करना चाहते। यहाँ आने से लोग डरते हैं, लोग करोंगा सिहर जाता है। तो आपको इनकी कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।